हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों 2019 में चाइल्ड्स प्ले मूवी फ्रेंचाइजी की रिबूट हुई है और ये एक हॉरर स्लैशर जॉनरे की फिल्म है। आईएमडीबी पे चाइल्ड्स प्ले की रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स 61% फ्रेश एंड दिस फिल्म्स मेटाक्रिटिक स्कोर इज 48 out of 100। इस फिल्म को लार्स क्लेवबर्ग ने डायरेक्ट किया है और इस नई फिल्म में हमें सेम ओल्ड स्टोरी को न्यू पैकेजिंग के साथ प्रेजेंट किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 1988 वाली ओरिजिनल चाइल्ड्स प्ले में चकी डॉल एक सीरियल किलर के द्वारा पजेस था, लेकिन इस मॉडर्न इटरेशन में सारा खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई का है। अब यहाँ मैं पुरानी और नई फिल्म को सीन बाय सीन कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 2019 वाली फिल्म में पुरानी फिल्मों की कई रेफरेंसेस है, लेकिन लेट्स डू दैट इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम केवल 2019 में रिलीज हुई चाइल्ड्स प्ले मूवी की कहानी को संक्षिप्त में जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स कैसलन कोऑपरेशन की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जहां ये मल्टीनेशनल कंपनी अपनी एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रही होती है। प्रोडक्ट का नाम था बडी, जो कि एक एडवांस्ड डॉल था और ये डॉल बच्चों की अलग अलग तरह से मदद करने में सक्षम था। बडी डॉल एडवांस्ड एआई सिस्टम से कनेक्टेड था और वो किसी भी कैसलन कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था, लाइक टीवी, वैक्यूम क्लीनर इत्यादि। बडी डॉल काफ़ी हाईटेक थी और यही वजह है कि मार्केट में आते ही दिस प्रोडक्ट वॉज एन इंस्टेंट हिट। नाउ यहाँ सीन चेंज होकर बडी डॉल की एक फैक्ट्री की तरफ आती है, जो कि वियतनाम में लोकेटेड थी। इस फैक्ट्री में वर्कर्स बडी डॉल को असेंबल कर रहे होते हैं और इन वर्कर्स में से एक बंदे को सुपरवाइजर बहुत डांटते हुए फायर करता है, क्योंकि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। गुस्से में ये वर्कर एक बडी डॉल की सोर्स कोड से सारे सेफ्टी नॉर्म्स और फीचर्स डिलीट कर देता है और फिर वो इस डॉल को असेंबल करके इंटरनेशनल डिलीवरी के लिए पैक करवा देता है। इसके ठीक बाद ये वर्कर इस फैक्ट्री बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ सीन चेंज होकर एक कैरन नाम की बंदी पे फोकस करती है, जहाँ कैरन कैसलन कोऑपरेशन की एक रिटेल शॉप में कैशियर थी। कैरन का एक 13 साल का बेटा था जिसका नाम एंडी था और ये दोनों हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में मूव हुए थे। एंडी हियरिंग एड का इस्तेमाल करता था क्योंकि उसे सुनने में कुछ परेशानी थी और इस नए अपार्टमेंट में आने के बाद वो उतना खुश नहीं था। कैरन चाहती थी कि एंडी यहाँ नए दोस्त बनाए, लेकिन वो अक्सर अकेला ही रहता था। इन सब के अलावा कैरन का एक बॉयफ्रेंड भी था हुज नेम वॉज शेन, और एंडी शेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो नेक्स्ट डे कैरन के स्टोर में एक कस्टमर अपनी बडी डॉल रिटर्न करने आती है, क्योंकि इस डॉल में कुछ प्रॉब्लम्स थी और उस कस्टमर का कहना था कि चूंकि कुछ ही दिनों में बडी 2 डॉल्स लॉन्च होने वाली है, वो बडी 2 डॉल्स को ही परचेज कर लेगी। कैरन इस रिटर्न को एक्सेप्ट करती है एंड शी प्लान्स कि वो इस रिटर्न्ड डॉल को अपने बेटे एंडी को एज ए गिफ्ट देगी। कैरन फौरन ही अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करके इस डॉल को स्टोर से गायब कर देती है एंड देन वो उसे गिफ्ट रैप करके अपने बेटे एंडी को अर्ली बर्थडे प्रेजेंट के रूप में दे देती है। एंडी वॉज हैप्पी विद दिस गिफ्ट, लेकिन इस डॉल में कुछ इश्यूज थे, लाइक एंडी इस डॉल का नाम हान सोलो रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉल खुद से अपना नाम चकी रख लेता है। इसके अलावा डॉल की आई ब्लू की जगह रेड हो जाती थी और ये डॉल थोड़ा अटक अटक के बोलता था। ओवर द टाइम चकी एंडी को अपना बेस्ट बडी मान रहा था और एंडी नोटिस करता है कि चकी उसे फॉलो करते हुए कुछ स्लैंग्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि इन डॉल्स के सोर्स कोड से अलाउड नहीं होता है। चकी एकदम रिस्ट्रिक्शन फ्री था, विच मेड हिम कूल, और इसी वजह से एंडी अपनी बिल्डिंग में दो दोस्त बनाता है जिनका नाम फैलिन और पग था। अब दोस्तों, चकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजीज पे काम करता था और इसीलिए वो इन तीनों बच्चों के साथ रह के वॉयलेंट एक्टिविटीज सीख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, चकी इनके साथ बैठ के टेक्सस चेन्सो मैसेकर 2 मूवी देखता है, जहाँ कई मारने काटने वाले सीन्स थे और इन सीन्स को देखकर एंडी खुश हो रहा था। इसीलिए चकी को ऐसा लगता है कि एंडी किसी इंसान के मरने कटने से खुश होता है और वो एंडी को खुश करने के लिए पग को चाकू से मारने की कोशिश करता है।
इसके अलावा चकी एंडी के बिल्ली का गला घोटकर मार डालता है क्योंकि ये बिल्ली एंडी को स्क्रैच करी थी जिससे एंडी को दर्द हुआ था। चकी वॉज गेटिंग ऑब्सेस्ड विद एंडी और वो हमेशा एंडी को अपनी बड़ी सॉन्ग सुनाते हुए उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता था, विच वॉज गेटिंग काइंड ऑफ क्रीपी। अब दोस्तों आगे की सीन्स में हम व्यूअर्स एंडी को एक माइक नामक बंदे से काफ़ी फ्रेंडली होते देखते हैं जो कि उसका पड़ोसी था और प्रोफेशन वाइज माइक एक डिटेक्टिव था। अपार्ट फ्रॉम दिस एंडी को अपनी मॉम का बॉयफ्रेंड शेन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो शेन को देखना तक नहीं चाहता था। चकी इस बात को समझ जाता है कि एंडी हेट्स शेन और इसीलिए वो शेन पे काइंड ऑफ अटैक करता है। इस अटैक से शेन एकदम गुस्से में था और वो एंडी पे काफ़ी चिल्लाते हुए उसे डराता धमकाता है। शेन के इस बर्ताव से एंडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड और वो बोलता है कि काश शेन उसकी लाइफ में नहीं होता। चकी इन सारी बातों को सुन रहा था और वो एक ईविल स्माइल पास करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर शेन को अपने घर पे देख पाते हैं जहां हमें पता चलता है कि शेन पहले से ही शादीशुदा था। शेन घर में लगे क्रिसमस लाइट्स को एक लैडर की मदद से उतार रहा था जब चकी इस लैडर को हिलाकर शेन को लैडर से नीचे गिरा देता है। काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से शेन के पैर टूट जाते हैं और चकी लॉन मूवर की मदद से शेन के सर को काट डालता है। इसके बाद चकी शेन के ऊपर बैठ के उसे चाकू से कई बार स्टैब करता है जिससे शेन की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब एंडी सोकर उठता है तो उसके रूम में शेन का कटा हुआ सर रखा था जिसे चकी ने एज ए गिफ्ट प्रेजेंट किया था। एंडी वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड बाय दिस और वो चकी को अपने वार्डरोब में बंद कर देता है। इसके बाद एंडी फौरन अपने दोस्त फैलिन और पक को बुलाता है हु वर ऑल्सो शॉक टू सी दिस। ये लोग इस कटे हुए सर को डिस्पोज करने की सोचते हैं और इसीलिए वो इसे गिफ्ट रैप से छुपाकर घर से बाहर ले जाने की सोचते हैं। रास्ते में उन्हें एंडी की माँ कैरन मिलती है और वो उनसे इस गिफ्ट के बारे में पूछती है। एंडी झूठ बोलता है कि वो ये गिफ्ट अपने पड़ोसी माइक की माँ डॉरिन को देने वाला है और कैरन खुद एंडी के साथ जाकर ये गिफ्ट डॉरिन को दिलवाती है। एंडी समहाउ कन्विंसेस डॉरिन कि वो लोग 3 दिन बाद मिलकर ये गिफ्ट उसके बर्थडे पे खोलेंगे क्योंकि वी ऑल नो कि गिफ्ट रैप के अंदर तो शेन का कटा हुआ सर था। तो इसके बाद एंडी और उसके फ्रेंड्स मिलकर चकी पे हमला करके उसकी पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो लोग चकी डॉल को डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन से इस डॉल को गेब नाम का बंदा उठाता है जो कि इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन था। गेब चकी को रिवाइव करता है क्योंकि चकी के पास एंडी के घर की सारी कंट्रोल्स थी और इन कंट्रोल्स की मदद से गेब एंडी के घर में लगे कैमरास को एक्टिवेट करता है ताकि वो एंडी की मॉम को ड्रेस चेंज करते देख सके। लेकिन दोस्तों चकी रिवाइव होते ही सबसे पहले गेब पे टेबल सॉ से अटैक करके उसे जान से मार डालता है और इस सीन में हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि चकी कैसलन कोऑपरेशन द्वारा बनाई गई किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स एंडी को अपने पड़ोसी माइक और उसकी मॉम के साथ डिनर करते हुए देख पाते हैं। डिनर टाइम माइक की नज़र भी टेबल पे पड़े गिफ्ट पे जाती है लेकिन एंडी बड़े ही चालाकी से इस गिफ्ट को उनके घर से निकाल लेता है। इसके बाद वो इसे बिल्डिंग के पास वाली डस्टबिन में डिस्पोज कर देता है। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि चकी एक ओमर नाम के बंदे के पास चला गया था जो कि एंडी के बिल्डिंग में ही रहता था। एंडी वॉज क्वाइट श्योर कि ओमर का बड़ी डॉल और कोई नहीं बल्कि चकी है लेकिन कोई उसकी बातों को मान नहीं रहा था। मीनवाइल चकी उन सारे लोगों को मारना चाहता था जो कि एंडी के दोस्त थे या फिर वो किसी भी तरह से एंडी से क्लोज थे क्योंकि चकी के हिसाब से एंडी का दोस्त उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए चकी माइक की माँ को एक कंट्रोल्ड कार एक्सीडेंट में मार देता है और चकी इस कार एक्सीडेंट को कंट्रोल इसीलिए कर पाया क्योंकि ये कार भी कैसलन कंपनी की ही थी। अपनी माँ की मौत के बाद डिटेक्टिव माइक इस केस पे जोर शोर से काम करने लगते हैं और उन्हें डस्टबिन में शेन की हेड मिलती है जो कि ठीक उसी गिफ्ट रैप में थी जिसे उन्होंने अपने घर के टेबल के ऊपर देखा था। माइक को लगता है कि इन सब के पीछे एंडी का हाथ है और वो एंडी को गिरफ्तार करने के लिए उसे खोजने लगते हैं। मीनवाइल एंडी अपनी माँ को बताता है कि चकी डॉल ही लोगों को मार रहा है लेकिन एंडी की माँ कैरन उसकी बातों को हल्के में लेती है। कैरन एंडी को अपने साथ कैसलन स्टोर ले जाती है जहाँ आज बड़ी टू डॉल की लॉन्च इवेंट थी। कैसलन स्टोर में चकी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर पा रहा था और वो एंडी को कुछ पुराने फुटेजेस दिखा रहा था जिससे एंडी काफ़ी डर रहा था।
एंडी ओमर की डॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। इन घटनाओं के बीच चकी इस स्टोर के मैनेजर को मार डालता है और वो स्टोर के डोर्स को बंद करके सारे कस्टमर पे डिफरेंट डॉल्स को कंट्रोल में करते हुए अटैक कर देता है। चकी यहाँ बड़ी टू डॉल्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था और पूरे स्टोर में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ के बीच माइक भी यहाँ पहुँचता है, जो कि एंडी को अरेस्ट करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो भी समझ गया था कि ये सब किया धरा बड़ी डॉल चकी का है। चकी कुछ कैसलन ड्रोन्स को कंट्रोल करके माइक और बाकी के लोगों पे जानलेवा अटैक करता है, जिसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं। माइक किसी तरह इन अटैक से बचता है और वो एंडी को आज़ाद करता है। एंडी और उसके दोस्त किसी तरह स्टोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चकी एंडी की माँ कैरन को अपने हिरासत में ले लिया था, जिस वजह से एंडी को कैसलन स्टोर के वेयर हाउस में जाकर चकी का सामना करना पड़ता है। चकी कैरन को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी किसी तरह अपनी माँ को बचाता है। चकी फाइनली एंडी को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कैरन पीछे से चकी पर हमला करके उसे रोक पाती है। यहाँ सीन चेंज होकर आफ्टरमैथ पे आती है, जहाँ कैरन और माइक को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और कैसलन कोऑपरेशन के ओनर अपने सारे बड़ी टू डॉल्स को रिकॉल करते हैं। यहाँ एंडी और उसके फ्रेंड्स चकी डॉल की लाइफलेस बॉडी पे हमला करके उसे तोड़ देते हैं। एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल, लेकिन दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स एक पैक्ड बड़ी डॉल को स्माइल करते देख पाते हैं, विच सजेस्ट्स कि चकी ने अपनी मेमोरी, एआई और सिस्टम को किसी और डॉल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नई वाली चाइल्ड्स प्ले मूवी की कहानी, और ये फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहां 1988 वाली चाइल्ड्स प्ले फिल्म में हमने एक सीरियल किलर की आत्मा को चक्की के अंदर जाते देखा था, वहीं 2019 वाली चाइल्ड्स प्ले में हमने एक एआई प्रोग्राम को डॉल की कंट्रोल लेते देखा, जिसके अंदर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। This is a modern representation of the new age horror. Now coming to the last scene of the movie, हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर चकी इतनी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे कर पा रहा था और वो अपनी एआई को दूसरे डॉल में ट्रांसफ़र कैसे कर पाया। दोस्तों कैसलन कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, जो हर तरह की टेक डिवाइसेज में इंडस्ट्री लीडर थी। कैसलन के ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मोबाइल्स, वैक्यूम क्लीनर्स और ऐसे कई टेक प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल थे, जिसे लोग हर दिन यूज़ करते थे। बड़ी डॉल्स की खासियत यही थी कि वो हर तरह के कैसलन प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और ये डॉल्स सिचुएशन के हिसाब से नई चीज़ें सीख जाता है। यही वजह है कि चकी हर एक न्यू कैसलन डिवाइसेस को अपने सिस्टम से प्रोग्राम कर पा रहा था, क्योंकि ये सारी सिस्टम क्लाउड द्वारा कनेक्टेड थी। अब चूंकि चकी के अंदर से एक वियतनामीज वर्कर ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या फिर सेफ्टी नॉर्म्स को हटा दिया था, वो एक किलर डॉल बन गया, क्योंकि उसने एंडी के साथ रह के इन्हीं चीज़ों को सीख लिया था। अब हालांकि एंडी ने लास्ट में चकी को मार गिराया, लेकिन उसने ऑलरेडी अपनी एआई और मेमोरी को एक दूसरे डॉल में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि इस फिल्म की पार्ट टू भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगी, जहां चकी अपना बदला लेने वापस जरूर आएगा। सो नाउ आई होप कि आप इस फिल्म की एंडिंग सीन को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे, और इसके लिए वीडियो पे एक लाइक तो जरूर बनता है। इसके अलावा अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, तो मुझे यह फिल्म कुछ खास नहीं लगी, एंड इट वॉज क्वाइट प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द स्टार्ट। इससे बेहतर मुझे चकी की पुरानी फिल्म्स लगी थी, और जल्द ही मैं अपने चैनल पर पुरानी चाइल्ड्स प्ले मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा, जहां हम पुरानी मूवीज को एक्सप्लेन करते हुए नई मूवीज के साथ कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।